नए DGISI की पॉलिसी क्या होगी? नजम सेठी ने होशुबा इंकशाफात कर दिए। सीनियर सहाफी नजम सेठी ने कहा है, जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इन्हें टाइट किया जाए। जो नए DGISI आए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि जुडिशरी को दोबारा कंट्रोल किया जाए। वो इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत तकसीम हो चुकी है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नजम सेठी का कहना था कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। इनकी क्या क्या कामयाबियां हैं और क्या नाकामियां हैं, क्योंकि जो इनकी छुट्टी कराना चाहेंगे तो अपने सामने बैलेंस शीट तो रखेंगे। इनकी कामयाबियों में सबसे पहले तो IMF का प्रोग्राम जो इन्होंने हासिल किया। अब ये अलग बात है, वो लोग कहेंगे कि ये तो हमारे बंदे मोहम्मद औरंगजेब की वजह से हुआ। इसमें वजीर आजम का तो कोई कमाल ही नहीं। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो वो लोग यकीन रखते हैं कि इसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं, सब कुछ वजीर खजाना की कोशिशों की वजह से हुआ है, तो फिर ये शहबाज शरीफ के हक में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की और कौन सी कारकर्दगी है, वो ये कि सबकी बातें मानी लेकिन डिलीवर नहीं कर सके, पार्लियामेंट को कंट्रोल नहीं कर सके। अगर कोई थोड़ी बहुत कंट्रोल कर रहा है तो वो आसिफ जरदारी कर रहा है। शहबाज शरीफ को इसी तरीके से चला रहे हैं जैसे कोई ब्यूरोक्रेट चलाता है। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर सवाल खड़े हो गए हैं।